हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी से निवेदन करूंगा, वो आए और हम सब किसानों को और युवाओं को संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार। चौकीदार, कमलनाथ जी, भूपेश बघेल जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, कराडा हुकुम सिंह जी, मनोज चौधरी जी, कुणाल चौधरी जी, हमारे कैंडिडेट तिपनिया जी, सीनियर नेता स्टेज पर, पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो टिपनिया जी की टीम आई है, आपका भी मैं यहां स्वागत करता हूं। नमस्कार। चुनाव चल रहा है, दो विचारधाराओं की लड़ाई, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और हमारे सब एलाइज, हमारे कार्यकर्ता। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, नारा याद है आपको, अच्छे दिन आएंगे, याद है आपको? अब नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, हाँ? भाषण में बोल रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, कहीं बोला नहीं ना? अच्छा, पहले कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहीं बोल रहे हैं? कहीं बोला नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिलवाऊंगा ना? अच्छा, हां, पकौड़ों की बात की, कहा रोजगार वाला जुमला था, देश के युवाओं को अब पकौड़े बनाने चाहिए। किसानों से कहा था सही दाम दिलवाऊंगा, 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है, सही दाम दिलवाऊंगा, कर्जा माफ करूंगा। और जब यहां हमने कर्जा माफी की बात की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कर्जा माफी की बात की, नरेंद्र मोदी ने कहा पैसा कहां से आएगा, पैसा नहीं है। शिवराज चौहान जी ने कहा कांग्रेस झूठ बोल रही है। 10 दिन के अंदर 2 सबूत तो यहां बैठे हैं, कमलनाथ जी, बघेल जी, 10 दिन के अंदर हमने कहा था और 2 दिन के अंदर हमने कर दिया। शिवराज चौहान जी ने कहा, शिवराज चौहान जी ने कहा, मोदी जी ने कहा कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, कमलनाथ जी ने शिवराज चौहान जी के परिवार के लोगों के नाम निकाले जिनको मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्जा माफ करके दिया। फिर शिवराज चौहान जी कहते हैं ये तो गलती है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कमलनाथ जी ने फॉर्म निकाल दिया, उनके परिवार के लोगों के दस्तखत उस पर। शिवराज चौहान जी, सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, आपके परिवार का भी कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया है। हम में नफरत नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल में, नेता के दिल में आपको नफरत नहीं मिल सकती, बीजेपी के लोगों के दिल में, आरएसएस के लोगों के दिल में, नरेंद्र मोदी के दिल में नफरत है, गुस्सा है। हमारा काम उस नफरत को मिटाने का है। नरेंद्र मोदी जी मुझ पर आक्रमण करते हैं, मेरे पिता के बारे में बोलते हैं, दादी के बारे में, परदादा के बारे में नफरत से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, और मैं जाके झप्पी देता हूं, प्यार से जाके गले लग जाता हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इस देश की शक्ति आपके पीछे खड़ी है, नफरत मिटाइए, प्यार से काम कीजिए, आपका ही फायदा होगा,
5 साल से मैं नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं, जीएसटी का मामला था, हमने चिदंबरम जी को भेजा प्यार से, हमने कहा नरेंद्र मोदी जी ये आप गलती करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, आप बिना प्लानिंग के, बिना पायलट प्रोजेक्ट के गब्बर सिंह टैक्स लागू मत कीजिए, मुश्किल हो जाएगी, विपक्ष के हैं हम मगर एक्सपीरियंस है, गलती मत कीजिए। जवाब मिला 12 बजे रात को डिसीजन ले लिया गया है, जीएसटी 12 बजे रात को लागू कर दी जाएगी। नोटबंदी के बारे में किसी से नहीं पूछा, किसी भी दुकानदार के पास चले जाते, मध्य प्रदेश में देवास में किसी भी दुकानदार के पास चले जाते प्रधानमंत्री, 2 मिनट बात कर लेते, कहते भाई बताओ मैं सोच रहा हूं 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट रद्दी करना, क्या लगता है आपको? आपको एक दुकानदार नहीं मिलता जो कहता नहीं भैया कर दो। देश की आवाज आपने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी, अनिल अंबानी की सुनी, मेहुल चौकसी की सुनी, नीरव मोदी की सुनी, इन चोरों की सुनी, मगर देश के किसानों की नहीं सुनी। आपने विपक्ष की नहीं सुनी, विपक्ष विपक्ष, देखिए जब नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं, बीजेपी के लोग कुछ कहते हैं, तो मेरी अप्रोच क्या है, मैं कहता हूं विपक्ष के लोग मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, मुझे सुनना चाहिए, शायद मैंने कोई गलती की, शायद मैं अपने आप को सुधार सकता हूं, शायद ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, और कभी कभी विपक्ष सही बोलता है तो मैं विपक्ष को भी सुनता हूं। नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं मैं सुनता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख की बात की, मैं सुना, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, बढ़िया बात बोली, और मैंने कहा बिल्कुल सही करना चाहिए, देश के गरीब लोगों को पता लगना चाहिए कि उनकी सरकार उनकी मदद करना चाहती है। विपक्ष के नेता थे, सुना, उन्होंने नहीं किया। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी की टीम को बुलाया, इकोनॉमिस्ट को बुलाया, मैंने कहा इधर आइए बैठिए मेरे साथ, क्या बात है? मैंने कहा देखिए नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए देने की बात की थी, आइडिया मुझे बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा, वो कर नहीं पाए, शायद वो 15 लाख झूठ था, मगर जो भावना थी प्रधानमंत्री की, जो भावना थी हमारे विपक्षी नेता की, जो भावना थी मुझे अच्छी लगी। आप मेरे लिए पता लगाइए, अगर हम चाहें कितना पैसा डाला जा सकता है, मुझे कहते कितने लोगों की बात कर रहे हो? मैंने कहा देखिए उन्होंने 15 लोगों को दिया, हम 25 करोड़ लोगों को देना चाहते हैं, 4 कहते हैं ये आपने क्या कह दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि सरकार बैंक अकाउंट में पैसा डाल दे, ये किसी सरकार ने नहीं किया। मैंने कहा देखिए आप क्या कह रहे हैं, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए किसने दिया, राफेल घोटाले में हिंदुस्तान की सरकार नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, 1 साल का मनरेगा का पैसा एक व्यक्ति को किसने दिया, नरेंद्र मोदी, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए किसने दिया, नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान की सरकार। तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि सरकार बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डालती, वो तो रोज डाल रही है, चुप हो गए। मैंने कहा देखिए मैं आप पे दबाव नहीं डालूंगा, आप जाइए वापस जाइए पता लगाइए, एक ही शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं करनी, दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को, हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, युवाओं को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मगर गरीबों को मैसेज जाना चाहिए कि आपकी सरकार है। आइडिया कहां से आया, नरेंद्र मोदी, मैंने प्रधानमंत्री की आवाज सुनी, मेरे ऊपर रोज आक्रमण करने, मगर मैंने उनकी आवाज सुनी, टीम वापस गई, काम किया, 6 महीने काम किया, फिर आते हैं, भैया पेन दिखाना मुझे, ऐसे कागज पे मेरे सामने 72,000 यूं
लिख देते हैं। मैंने कहा ये क्या है 72,000, ये क्या है 72,000 पैसे, 72,000 रुपए, 72,000 लोग, 72,000 साल, क्या है? मुझे कहते हैं राहुल जी आपने कहा था 25 करोड़ लोगों को पैसा देना है, 72,000 रुपए एक साल के, 3,60,000 रुपए पांच साल के, 6,000 रुपए महीने के, 5 करोड़ परिवारों को। हिल गया मैं, सच बताओ थोड़ा मैं घबरा गया। मैंने कहा ये 72,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में, इससे नुकसान तो नहीं होगा? मैंने आपसे कहा था नुकसान नहीं होना चाहिए, दुकानदारों का फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। हम नोटबंदी जैसा काम नहीं करना चाहते हैं, गब्बर सिंह टैक्स जैसा काम नहीं करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जो मेन स्ट्रेंथ है, शक्ति है, अर्थव्यवस्था, उसको नष्ट नहीं करना चाहते। मुस्कुराए, पूरी टीम मुस्कुराती है, कहती नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा कैसे, आप कैसे कह सकते हो कि हिंदुस्तान की सरकार 72,000 रुपए दे दे 5 करोड़ लोगों को नुकसान ना हो? कहते राहुल जी हम समझाते हैं आपको 2 मिनट में। कहते हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक शक्ति है वो हिंदुस्तान की जनता की परचेजिंग कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है। मतलब जो हमारे करोड़ों लोग रोज खरीदते हैं वही हमारी देश की आर्थिक शक्ति है। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, उन्होंने उस शक्ति पर आक्रमण किया, जेब से पैसा निकाल दिया, सबके जेब से पैसा निकाल दिया, माताओं बहनों के जेब से, घर से पैसा बचाया था उन्होंने। आई हैं यहां, आप भी नोटबंदी में लाइन में खड़ी थी, युवाओं के जेब से, किसानों के जेब से, मजदूरों के जेब से, ज्यादा पैसा नहीं था मगर जो था निकाल लिया, उनके हवाले कर दिया, अनिल अंबानी के हवाले, मेहुल चौकसी के हवाले। जैसे ही पैसा निकला भाइयों और बहनों, आपने माल खरीदना बंद किया। जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया, दुकानों में माल बिकना बंद हुआ। जैसे ही माल बिकना बंद हुआ, हिंदुस्तान के फैक्ट्रियों के मालिक ने युवाओं को बुलाया, कहा इधर आओ। युवाओं ने कहा क्या? कहते चलो घर जाओ, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं, वहां पर कुछ बिक नहीं रहा है, फैक्ट्री की क्या जरूरत, हम तो बंद करने। और 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में हो गई। अब चलते हैं न्याय योजना की बात करते, टीम ने बताया, अब चलते हैं न्याय योजना की बात करते हैं। न्याय योजना का पैसा जैसे ही 25 करोड़ लोगों के हाथ आएगा, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में जाएगा, जनता माल खरीदना शुरू करेगी, कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई जूता, कोई टोपी, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैंपू, जो भी। जैसे ही जनता खरीदना शुरू करेगी वैसे ही दुकानदारों की दुकान चल जाएगी, जैसे ही दुकानें चलेंगी वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, माल बनाना पड़ेगा, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। तो राहुल जी नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइज किया, न्याय योजना रीमोनेटाइज करेगी, सीधा डायरेक्ट पैसा वापस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के जेब में जाएगा, हिंदुस्तान का इंजन, अर्थव्यवस्था का इंजन चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो राहुल जी न्याय योजना दुकानदारों को फायदा पहुंचाएगी, किसानों को फायदा पहुंचाएगी, मजदूरों को फायदा पहुंचाएगी, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। अजीब सी समस्या है राहुल जी, मगर न्याय योजना से सिर्फ गरीबों को फायदा नहीं होगा, न्याय योजना से जो नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल काम किया है, जो नुकसान पहुंचाया है वो नुकसान ठीक किया जाएगा। मैंने सवाल पूछा, गहराई में जाता हूं, मैंने कहा बताइए ये पैसा किसको जाएगा? कहते हैं अच्छा यहां बहुत पुरुष हैं, मुझे महिलाएं कम दिख रही हैं। मैं साफ बोल देता हूं, गुस्सा मत होना मुझसे बाद में। क्या नाम है आपका? हां जो आगे, हां जो आगे पहने काले चश्मे पहने, हां आप, हां क्या नाम है आपका? हां
कोहली जी मुझसे गुस्सा मत हो ना, महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, वो आपके ऊपर है, आपसे उनकी बात आपसे करनी, आपको करनी पड़ेगी। मैं नहीं जानता, मैं 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी बघेल जी हम सब मिलकर 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 72,000, 5 साल का 360,000 रुपए डालने जा रहे हैं। देखिए कमाल की बात, देखिए आइडिया कहां से आया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उन्होंने उसको लागू नहीं किया, उसमें उन्होंने झूठ बोला 15 लाख। हमने आइडिया दिया, सच्चाई निकाली, जनता की आवाज सुनी और फिर 360,000 रुपए 5 साल में हम आपको देने जा रहे हैं। किसानों से बात की, मध्य प्रदेश में कर्जा माफ हुआ, हम आपके पास आए, आपसे कहा देखिए बताइए और क्या करा जा सकता है। ठीक है, हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया तो क्या हुआ, ठीक है अच्छा काम किया, मगर आपकी समस्या तो नहीं हल हुई, आपके साथ हम आगे भी खड़े रहेंगे, आप क्या चाहते हो। और किसानों ने 2 बातें कही, एक कहा कि देखिए राहुल जी हम भी प्लानिंग करना चाहते हैं, आप साल की शुरुआत में बजट बनाते हो देश का, उसमें सबको पता लग जाता है कितना टैक्स कटेगा, कितना पैसा मिलेगा, किसानों को नहीं पता लगता। आप एक काम कीजिए, किसानों को मैसेज देने के लिए, किसानों को प्लानिंग करने के लिए आप एक काम कीजिए, 2 बजट बनाइए। मैंने कहा 2 बजट मतलब, एक किसानों का बजट बनाइए और वो पहले बनाइए, बाद में मत बनाना, नेशनल बजट से पहले किसानों का बजट बना दीजिए, उसमें आप देश के किसानों को बताइए कितना पैसा कर्जा माफ होगा, कहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे। कमलनाथ जी मुझे अभी बताया गया, कहां गए, नीचे गए, बुलाइए बुलाइए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट कहां कहां लगेंगे, आलू के चिप्स का प्लांट कहां लगेगा, टमाटो केचप का प्लांट कहां लगेगा, सोयाबीन के तेल का प्लांट कहां लगेगा। कमलनाथ जी मुझे बताया गया कि यहां पे प्याज और लहसुन उगाया जाता है ना, मगर लहसुन के पेस्ट बनाने की कोई प्रोसेसिंग यूनिट यहां नहीं है, किया जा सकता है काम, बोल दीजिए जरा, किया जा सकता है और किया जाएगा। लहसुन के किसान काम करते हैं और प्रोसेसिंग दूसरे प्रदेश में होती है, प्रोसेसिंग भी मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, प्रोसेसिंग भी यहां होनी चाहिए। भाव लहसुन का पिछले साल मिला, ये भी बोल दीजिए, कितना भाव पिछले साल मिला लहसुन का और आज क्या भाव है, बताइए राहुल जी को बताइए। धन्यवाद। तो किसानों का स्पेशल बजट, अगर अलग बजट। और दूसरी बात, किसानों ने सवाल पूछा, हमने सुना, किसानों ने कहा राहुल जी एक बात बताइए, अनिल अंबानी जेल के अंदर है बाहर? मैंने कहा बाहर है, उसके भाई ने उसको पैसा देकर जेल से जाने से रोका। राहुल जी नीरव मोदी बाहर अंदर? मैं आपसे पूछता हूं, नीरव मोदी बाहर अंदर? बाहर हिंदुस्तान में, लंदन में? विजय माल्या अंदर बाहर? बाहर। ललित मोदी अंदर बाहर? बाहर। अब किसानों ने हमसे पूछा, राहुल जी एक बात बताइए, ये सब चोर बाहर, ये 45,000 करोड़ रुपए कर्जा लेता है वापस नहीं देता अनिल अंबानी, और हिंदुस्तान का किसान 20,000 रुपए, मध्य प्रदेश का किसान 20,000 रुपए लेता है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, नुकसान हो जाता है, उसे जेल के अंदर कर देते? राहुल जी ये आपको न्याय लगता है क्या, सही लगता है क्या? मैंने कहा पता लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी की टीम को बताया, शिकायत आई है, कांग्रेस पार्टी की टीम गई और किसानों से उन्होंने बात की, और उदाहरण दो,
मैनिफेस्टो में एक लाइन, आपकी आवाज, मध्य प्रदेश के किसानों की आवाज, हिंदुस्तान का, मध्य प्रदेश का कोई भी किसान किसी भी जात का, किसी भी धर्म का कर्ज ना लौटाने के लिए 2019 के चुनाव के बाद जेल में नहीं डाला जा सकेगा। भाइयों और बहनों, सोच हमारी नहीं है, ये मत सोचिए, सोच आपकी है। 15 लाख का आईडी हमारा नहीं था, नरेंद्र मोदी जी का था, उनके लिए वो झुमला था, उनके लिए वो झूठ था, हमारे लिए सच्चाई। 15 लाख, 3,60,000। कानून बदलना, मैनिफेस्टो में जो हम कानून बदल रहे हैं, आपकी सोच है, हिंदुस्तान के किसानों की सोच है। नया बजट राहुल गांधी ने नहीं कहा, मध्य प्रदेश के किसानों ने, आप लोगों ने कहा। हम समझते हैं बात को, मालिक आप हो, हम मालिक नहीं है। हमारा काम मालिक की आवाज सुनने का है, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, छोटे दुकानदारों की आवाज, मिडिल साइज बिजनेस वालों की आवाज। जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, उन्होंने हिंदुस्तान की आवाज का अपमान किया। जब नरेंद्र मोदी ने गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, उन्होंने हिंदुस्तान की आवाज का अपमान किया। जब नरेंद्र मोदी लाल किले पे जाते हैं, छाती फैला के कहते हैं 56 इंच की छाती है, मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, वो हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान के किसान, आपके माता पिता, आपके दादा दादी का अपमान करते हैं। कंफ्यूजन है नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश को नहीं चलाता है, जनता देश को चलाती है। प्रधानमंत्री जनता की आवाज को सुनता है, समझता है, और जो जनता ऑर्डर देती है प्रधानमंत्री करता है। आप गलतफहमी में हैं, आप देश को नहीं चलाते हो, देश को देश का किसान चलाता है। डायरेक्शन देश की जनता देती है। युवाओं की बात, और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार दूंगा, झूठ, 15 लाख जैसा झूठ हमने पता लगाया। न्याय योजना फैक्ट्रियों को चालू कर देगी, दुकानों को चालू कर देगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, लाखों करोड़ों युवाओं को मिलेगा। मैं आपसे यह नहीं कह सकता हूं 2 करोड़, मगर लाखों करोड़ों को मिलेगा। मगर हमने पता लगाया 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आज 27,000 युवा रोजगार खोते हैं 24 घंटे में, मेक इन इंडिया के बाद, स्टार्टअप इंडिया के बाद, सिट डाउन इंडिया के बाद। हमने पता लगाया 22 लाख सरकारी नौकरियां आज हिंदुस्तान में खाली पड़ी हैं। मैं स्टेज से आपको गारंटी देकर कह सकता हूं, एक साल के अंदर 22 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में हम रोजगार दे देंगे। मगर मैं यहां आपको झूठ नहीं बोलने वाला हूं, मैं सच्चाई बोलूंगा, और जो हम कर सकते हैं हम करके दिखाएंगे। भ्रष्टाचार की बात, नरेंद्र मोदी पहले भ्रष्टाचार की बात करते थे, जहां जाते थे भ्रष्टाचार। मैंने उनसे पार्लियामेंट हाउस में 4 सवाल पूछे, नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए कर्जे में है। नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी ने हवाई जहाज नहीं बनाया, एचएएल 70 साल से बना रही है, एचएएल के विमानों ने हिंदुस्तान की रक्षा की है, हर युद्ध में एचएएल के एयरक्राफ्ट्स ने रक्षा की। 1600 करोड़ रुपए में आपने हवाई जहाज खरीदा, पहले यूपीए के समय 526 करोड़ में खरीदा जा रहा था। आपने फ्रांस के राष्ट्रपति को कहा कि हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, आपने फ्रांस के राष्ट्रपति को कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने मीडिया को बोला। परिकर जी ने कहा
कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पूछा। जानना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी से पूछो। डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स कागज पे लिखते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था। 1.5 घंटा नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, राफेल की बात नहीं की, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी जी, मैंने अपने परिवार के बारे में नहीं पूछा था आपसे, मैंने राफेल घोटाले के बारे में पूछा था। और जब नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे थे, आपने आप सबने, पूरे देश ने, युवाओं ने चेहरा देखा। मैं उनकी आंख में आंख मिलाने की कोशिश कर रहा था, देखिए आंख मिलाइए, ऐसे मैं ऐसे कोशिश कर रहा था। और जो मैं ऐसे करूं, नरेंद्र मोदी कभी यूं देखे, कभी यूं देखे, कभी नीचे देखे, कभी साइड देखे, ऊपर देखे, और देश ने देखा। मुझे छोड़ो, देश ने देखा कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की आत्मा की आंख में आंख नहीं मिला पा रहा है। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। और आखिरी बात समझिए, मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता हूं। जितना, जितनी नफरत नरेंद्र मोदी मुझे दें, जो भी मेरे परिवार के बारे में बोले, बोलिए। नरेंद्र मोदी जी, जो आपको बोलना है बोलिए, नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत के साथ मैं नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकता, नरेंद्र मोदी को सिर्फ प्यार हरा सकता है नरेंद्र मोदी जी। और जितनी आप नफरत दोगे उतनी झप्पियां हम आपको देंगे, उतनी बार हम आपसे गले मिलेंगे। भाइयों बहनों, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अब मैं आभार के लिए आदरणीय रामवीर भाई साहब से निवेदन करूंगा, आए और आभार मनाए। परम सम्मानी आदरणीय राहुल जी, हम आभारी हैं आपके। परम सम्मानी हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, हम आभारी हैं उनके। सभी मंच पर आसीन सभी अतिथियों के आभारी हैं। आदरणीय राहुल जी, एक चीज मैं जरूर याद दिलाऊंगा आपको, पिछली बार 2009 में आप आए थे, तब भी हमारी जनता ने कांग्रेस को जिताया था। आज आप फिर हमारे बीच में हैं। हम निश्चित आपसे कह सकते हैं, हमारी जनता पर भरोसा है कि हमारा प्रत्याशी, हमारे टिपानिया जी, निश्चित तौर पर भारी भारी मतों से यहां से जीत के जाएंगे। मैं आपका बहुत दिल से आभारी हूं।